फातिमा गुल जरा आना। जी आए। शुक्रिया शुक्रिया। आप भैया हम थोड़ी देर बाहर जाकर आए। हाँ जाओ ना, क्यों नहीं, जाओ जाओ जाओ, जल्दी आ जाना। बार बार घड़ी देखना बंद कर। नाव किनारे लगाने में तू उनकी मदद करने वाली है क्या? मैं तुझसे बात कर रही हूं। मैं आ रहा हूं। फातिमा गुल, वो काफी दिनों बाद वापस आ रहा है। खुद को उसके लिए इतना पागल मत बना। शादी से पहले ही मन भर जाएगा उसका तुझसे। तुम क्या मुस्कुरा रहे हो, काम पर ध्यान दो। आइए चाय पी के जाइए। अभी थोड़ा काम है, वापस आकर पीऊंगी। मुस्तफा, लो आ गई तुम्हारी फातिमा गुल। हमारे तो घर को भी इतने प्यार से कोई नहीं मिलता। कप्तान, सगाई के बाद कभी तुम्हारी बीवी ऐसे मिलने आई थी क्या? पागल है क्या, शादी के बाद तक नहीं आई कभी, और ना ही आए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ भी आकर मुसीबत खड़ी कर देगी। इस बार इतनी सारी मछलियाँ मिली, सब तुम्हारी वजह से। तुम एक मिनट रुको, मैं सामान उतार कर आता हूँ, उसके बाद हम घर देखने चलेंगे। बस अभी आया।
लाइए, मैं करता हूँ कप्तान। बेटा मुस्तफा तुम जाओ, लड़की को इंतजार मत करो। काम खत्म करूंगा, पसीना आ जाएगा तो जो खुशबू लगाई है सब उतर जाएगी। बस भी करो। आई होप आपका सफर अच्छा रहा। अच्छा रहा, फ्लाइट काफी कंफर्टेबल थी। हाँ ठीक है। ओके यस सर। तुम जाके सारे लगेजेस ले आओ। एक सूटकेस मेरा है और 5 सूटकेसेस अंकल के हैं। सब पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक से देख लेना। जी बिल्कुल। सारे बैग्स ले लो और उन्हें लेकर दूसरी कार में आ जाओ। पूरे 6 सूटकेसेस हैं, ध्यान देना। कब से इंतजार कर रहे थे आप? कैसे हो मुनीर? वेलकम भाभी। कैसी हो दीदी? वेलकम भैया। और बताओ रिफत कैसे हो? सामान कहाँ है आपका? वो लोग ला रहे हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। अर्दवान कैसे हैं डैडा? फर्स्ट क्लास। तो कैसा रहा सफर? इसके बारे में बड़े पापा ही बताएंगे। कैसे हैं मुनीर अंकल? आई एम फाइन बेटा, तुम कैसे हो? फर्स्ट क्लास। मैंने तुमसे लगेज के साथ आने के लिए कहा था ना। अकिन को भेजा है मैंने। बहुत अच्छे, मैं तुमसे कहूँ और तुम उससे कह दो। लड़के ला रहे हैं ना सामान, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो रे सर? कम ऑन रिलैक्स। बस आती होगी जीजा जी। कितनी गर्मी है। अर्दवान मैं अभी आया, एक मिनट। अब ये कहां जा रहा है? कैसा है बेतू? बढ़िया हूँ यार, सॉरी तुझे यहाँ तक बुलाया। मैं कार को यहाँ खुला नहीं छोड़ सकता। अच्छा तू हमें रिसीव करने आया? नहीं मैं वुराल का वेट कर रहा हूँ, उसने भी अभी लैंड किया। क्या कह रहे हो, हम भी उसी प्लेन में थे, मुझे तो नहीं देखा। अब ये किससे बात करने लगा? करीम से अबने ने है ना, उसका अडॉप्टेड बेटा। मेरे सामने उस औरत का नाम भी मत लो। अर्दवान चलो, एक मिनट आ रहा हूँ। मुझे विराल को रिसीव करना था तो मैं गालिब उस्ताद की कार लेकर आ गया। हाँ ठीक है, अच्छा किया। सलीम नहीं आया क्या? सलीम की भी आज की फ्लाइट है और मुझे लगता है कि शाम तक पहुँच जाएगा। अर्दवान देर हो रही है। अरे यार फिर शुरू हो गया। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए, एंगेजमेंट में मुलाकात होगी या शायद उससे पहले भी हो सकती है। मिलते हैं दोस्त, बाय। तुम्हारी वजह से हमें इतना वेट करना पड़ा। सॉरी बड़े पापा, इतने सालों बाद मिला था इसीलिए हाय बोलने चला गया था। क्या वो हमेशा यहीं रहता है अर्दवान? हाँ, एबे नीने के साथ वो भी उस जमीन की रखवाली करता है। आज नहीं तो कल वो जमीन मेरी ही होने वाली है। बस सिर्फ उस औरत को संभाल लिया तो पूरा गांव हम बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन तो फिर करके दिखाओ ना मुनीर, इसीलिए तो तुम दोनों को यहाँ भेजा है। अगर नया कानून आ गया तो हमें उस जमीन की 5 गुना कीमत देनी पड़ेगी। अंदाजा भी है तुम्हें कितना नुकसान होगा हमारा। भाई साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो औरत बहुत जिद्दी है, हम नहीं चाहते किसी को किसी तरह का शक हो। एक बार ये शादी निपट जाए उससे तो मैं डील करूंगा, क्योंकि ये किसी और के बस। शुक्रिया अबिनी ने, अब देखना जल्दी आराम मिल जाएगा। वैसे इसे ठीक होने में कितने दिन लग जाएंगे? अरे फिक्र मत करो, तुम देखना पहले की तरह ठुमक ठुमक कर नाचोगी। एबेनीने की दवा सच में बहुत असरदार है, इसका भी पूरा ध्यान यही तो रखती हैं। अरे हाँ वो सब तो ठीक है पर अपना भी ख्याल रखना समझी, सिर्फ दवा से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पार्किंग अलाउड नहीं है। ओके सर। वुराल जल्दी आ जाए, यहाँ पार्क करना अलाउड नहीं है। तू नहीं सुधरेगा। चल मेरे भाई जल्दी बैठ जा वरना पुलिस फिर से आ जाएगी। चल चल। इतने दिनों बाद तुझे देखकर अच्छा लगा। कहने की बात है क्या? ऐसा यार, एक घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ, तुझे छोड़कर सब बाहर आ गए। बहुत भीड़ थी, जब सब लोग लगेज ले रहे थे मैंने कॉफी पी ली।
तो क्या चल रहा है? बस ठीक ठाक। लगता है तू अपने काम धंधे में बहुत इन्वॉल्व हो गया। हाँ, बस अपना पूरा ध्यान काम पर ही लगा रहा हूँ। झूठ मत बोल। अरे सच कह रहा हूँ, मैं पूरा दिन वर्कशॉप में ही रहता हूँ। हाँ जानता हूँ तेरा वो वर्कशॉप जहाँ तू दिन भर लोहे से खेलता है। प्लेन में तुम्हारे साथ यसरान फैमिली भी थी। मुझे तो नहीं दिखे वो। अरदवान ने भी तुझे नहीं देखा, शायद वो बिजनेस क्लास में होंगे। आज शाम सेलिम भी आ रहा है। पता है, पूरा गैंग फिर से इकट्ठा हो रहा है। ये क्या, इतना पकाऊ गाना रखा है? भाई तुझे पता ही है ना ये कार किसकी है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, गायब मत हो जाना, हम दो दिन में फिर निकल रहे हैं। ठीक है। इससे पहले कि कोई हमें देखे, घर के अंदर चलते हैं। तुम आज ही तो आए हो और दो दिन में फिर से चले जाओगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? और घर ना बना तो शादी कैसे करेंगे? अरे मायूस क्यों हो रही हो, तुम ऐसे अच्छी नहीं दिखती। और सब नहीं होता, करना पड़ेगा। अब तुम मानते? अच्छा ठीक है ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगा, इतना तो करने दो। अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, तो जल्दी से घर बनाओ और शादी कर लो। जल्दी करेंगे, फिर कुछ महीनों तक हम घर से निकलेंगे ही नहीं। चुप रहो। और जो मेरी मर्जी में आएगा वही करूंगा। पर हम कह तो रहे हैं कि हम तुम्हारी माँ के घर रह सकते हैं, तुम चाहो तो हम कल ही शादी कर सकते हैं। और तुम्हारी भाभी जो मेरा जीना हराम कर देगी उसका क्या? कहेगी मुस्तफा मर्द की तरह वादा तो करता है पर पूरा नहीं करता, और तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो कि इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता। मैं पहले घर बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी के जोड़े में तुम पहली बार मेरे साथ इसी घर में कदम रखोगी। आ गए मुस्तफा बेटा। आप कैसी हैं माँ? चल छोड़ रहने दे, इतने दिनों बाद तू घर आया है और मुझसे मिलने की बजाय सीधे यहाँ इससे मिलने चला आया। मैं बस अभी आया हूँ माँ, ये देखने आया था कि यहाँ कितना काम बाकी है और हम बस जाने ही वाले थे। तुम बताओ ना, अब तू अपनी माँ की फिक्र क्यों करने लगा? ओ ऐसा मत बोलिए माँ, आप जानती है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और तेरी ये फातिमा गुल हमेशा तेरे आने के बाद ही नजर आती है। हलीदिमा, हम आपसे कम से कम 5 बार मिल चुके हैं, इसने तो गिन भी रखे हैं। अच्छा माँ छोड़िए ये सब, घर चलते हैं खाना खाते हैं। चलो जाके खाएगा क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। माँ आप ऐसा हमेशा कहती है, आपने सच में खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया। मतलब आप अपने बेटे को भूखा रखेंगी? अब तो बहुत बदल गया। बचपन की याद आ जाती है ना, कुछ हफ्ते पहले आता ना तो तुझे यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं मिलती। सलीम की एंगेजमेंट नहीं होती तो अब भी नहीं आता। लेकिन तू आता क्यों नहीं? और जब आता है तो गर्मियों में ही आता है। 30 चला 30 चला, उनके करीब चल, ओवरटेक कर उन्हें। उनके साथ एक लड़का भी है, बेकार में फंसने वाला काम मत कर। तू ओवरटेक तो कर। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, आई लव यू। अंदर आ जा, तू बिल्कुल पागल है। इसी में तो मजा है, अपने गांव की बात ही कुछ और है। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं यार। और तेरी है क्या? नहीं। लगता है तेरी वो इंग्लिश गर्लफ्रेंड भाग गई है ना? कभी कभार मेल के जरिए बात करते हैं। उसके बाद और कोई मिली नहीं क्या? नहीं यार। एबिनी ने तुझे शादी करने को नहीं कहती?
लेकिन अपना सलीम इतना लकी नहीं है, फंस गया साला। मिनिस्टर का दामाद बन रहा है, लाइफ सेट हो गई उसकी। फिर से ट्राई करता हूँ। अबे छोड़ ना, अंदर चेक कर लेने। ये तो अब तक सो रहा है। सेलिम, सेलिम उठो, जल्दी उठो, मेलतिम मैम आ गई हैं, किसी भी वक्त ऊपर आ जाएंगी। सुनते क्यों नहीं, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। घर वाले चले गए क्या? कब के चले गए, उनकी सुबह की फ्लाइट थी। चलो अब जल्दी से उठो, नहा लो और तैयार हो जाओ। मेरा लगेज तैयार है। हाँ, कब का तैयार है, मैंने अभी पहनने के लिए कपड़े बाहर रख दिए हैं। आ गई। सेलिम, तुम अब तक रेडी नहीं हुए? सब कुछ रेडी है डार्लिंग, मैं बस अभी शावर लेकर आया, 5 मिनट लगेंगे। मैं न्यूज़पेपर देख चुकी हूँ मिसेज यादेगर, तो छुपाइए मत। इन्होंने सारी पिक्चर्स पब्लिश नहीं की हैं। अर्दुआन और बाकी लोग भी साथ थे, ये एक हफ्ते पुरानी बात है, लेकिन प्रिंट आज हुई है। तुम्हें उस रात के बारे में पता था ना, दिदेम का बर्थडे था और उसके बाद हम डिनर पर भी गए थे, तुम अंकारा में। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है सलीम, नाउ गेट रेडी फास्ट वरना हमारी प्लेन छूट जाएगी। ओह, शराब की बदबू आ रही है। कल डिनर में मैंने सिर्फ वाइन पी थी और तुम्हारे जाने के बाद मैं सीधा घर आया था। जल्दी करो, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। नहाने चला गया ना वो? चलो अच्छा है, उसका लगेज बिल्कुल तैयार है, सूट भी रख दिया। कल रात ये कितने बजे वापस आया था? मुझे नहीं पता मैम, मैं तो सो गई थी। मिसेज यादेगर, मैं जानती हूँ जब तक घर के सारे मेंबर्स नहीं आ जाते आप सोती नहीं हैं। प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए मेलतिम मैम, सेलिम आ जाएगा, आप उसी से बात कर लीजिएगा। शाम तक सारे गेस्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। अंकारा से भी कोई आ रहा है क्या? क्यों नहीं आएंगे, आखिर रसत यसरान के बेटे की एंगेजमेंट है, उन्हें भी तो पता चले हम क्या चीज है। ठीक कहा, पिछले हफ्ते तो उनका ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया क्या? था। किसी ने मेलतिम को कॉल कर दिया कि सेलिम बोट पर दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा है, तो क्या ये बात सच है? मेरा सरनेम भी यसरान है डैड, लेकिन मैं रिसत का नहीं, विफत यसरान का बेटा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? कंपनी में सलीम का शेयर है, मेरा नहीं है। सारा दिन मैं काम करता हूँ और वो अय्याशी करता है, लेकिन बड़े पापा को ये सब दिखता नहीं। आई होप कि अब वो इन हरकतों से बाज आ जाए। नहीं सुधरा तो रिसत उसकी जान ले लेगा, वो लोग मिलकर बिजनेस करने वाले हैं। को भी इस रिश्ते से काफी उम्मीदें हैं। कंपनी में मेरा शेयर क्यों नहीं है डैड, बताइए क्यों? सब्र करो, एक बार ये सगाई निपट जाए मैं उनसे बात कर लूंगा। इन बाप बेटे के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, साफ दिख रहा है। अगर तुम कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो, मुझसे कुछ भी छुपाना मत मुनीर। मुझे भला आपसे कुछ छुपाने की क्या जरूरत है जीजा जी, कसम से मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। रिफत, क्या खुसर खुसर कर रहे हो इतनी देर से? मैं कब से वहाँ बैठा बोर हुए जा रहा हूँ। आ रहा हूँ भाई साहब। थैंक यू। चल भाई मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहा है, अभी तो आए हम। तो आराम कर, मुझे वर्कशॉप जाना है वरना गालिब उस्ताद नाराज होंगे। एक बात बता, तू उनसे इतना डरता क्यों है? आज के लिए तो छुट्टी ले लेता, यहाँ घर में कोई है भी नहीं, थोड़ा पूल में चिल करते। पहले अपना फोन तो उठा ले। सलीम, हेलो योर हाइनेस, आ गए आप? नहीं यार, अभी तो मेलतिम के साथ एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ का क्या सीन है? बहुत गर्मी है हर तरीके से,
समझ रहा है ना तू? ठीक है, शाम को आ जाना, पार्टी रखी है तेरे घर। नहीं यार, रिशत यसरान को झेलने का मूड नहीं है। घर पर नहीं है यार, होटल में है जहाँ मिलते हम रुक रही है। कोई नया होटल है जैनत बे के पास। अच्छा, एक्चुअली सारे गेस्ट वहीं रुकने वाले हैं तो हम सीधा वहीं जाएंगे। ठीक है, वहीं मिलता हूँ। तुझे मेरा हाय कहना। करीम तुझे हाय कह रहा है, हम दोनों आ रहे हैं। ऐसा है, करीम को मत लेकर आना। ठीक है ठीक है, पक्का लेकर आऊंगा। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ। साले बुराल, तू नहीं सुधरेगा। चल फिर शाम में मिलते हैं। तू लैंड कब कर रहा है? ओके, सी यू। ये करीम कौन है? करीम, याद है तुम्हें मैंने बताया था मैं बचपन में गांव में पढ़ता था? बस यूं समझ लो, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड। सिर्फ छुट्टियों में ही मुलाकात होती है, यहीं रहता है। किसी कारपेंटर के पास ब्लैकस्मिथ है, यही लोहे वगैरह का काम करता रहता है। सो एज यू कैन सी डार्लिंग, मेरे हर तरह के दोस्त हैं। गुड फॉर यू। तुम्हें उससे पार्टी में मेरे जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। तू बेकार की बात मत कर, उसकी शादी है और उसके सभी दोस्तों को वहाँ होना चाहिए। लेकिन मेरे कपड़े भी ठीक नहीं है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? जनेट बे के पास कोई होटल है। अच्छा, मैं तुझे अपनी शर्ट दे देता लेकिन मुझे लगता है तुझे छोटी होगी। हम दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है देखा है। चल मिलते हैं। ओके बाय। कोई देख लेगा तो? भेड़ बकरियों के अलावा यहाँ कोई देखने वाला है क्या? थोड़ी चाय देना मुझे। फातिमा गुल, तुम्हारे लिए भी चाय निकालूं? नहीं भैया, हम अभी हलीदे माँ के यहाँ पीकर आए हैं। चल सच सच बता, सोकर आ रही ना तू उसके साथ? कुछ भी मत बोलिए भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो तेरा मतलब है तू उसके साथ सिर्फ चाय पीकर आ रही है? अपने भाई को बेवकूफ बनाना मुझे नहीं। हम कसम खाते हैं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो तू उसके साथ नए घर पर नहीं गई थी? हम गए थे लेकिन आप गलत सोच रही हैं। यही बात तो मेरी आंखों में देख के बोल, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तू झूठ बोल रही है। आपकी बातें बहुत चुभती हैं। चुभनी भी चाहिए क्योंकि ये सच है। शादी से पहले ये सब करना गलत है, समझी? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर ये बात गांव में फैल गई तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। याद रखना मेरी बात। मुकद्दस, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग बातें कर रहे थे मुस्तफा के बारे में। उस पर नजर रखो थोड़ी, मुझे उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही, खासकर सगाई के बाद से। ऐसा क्या कर दिया बेचारी बच्ची ने? बच्ची? अब वो बच्ची नहीं रही, नजर रखो उस पर वरना पछताओगे। अरे ये तो यसरान वालों का रसोईया है। कैसे हो रहमी? ठीक हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं इस्माइल भाई? अच्छा हूँ। हेलो हेलो, अंदर आइए ना, चाय पीते हैं। शुक्रिया, लेकिन हमें थोड़ी जल्दी है। आज अचानक हमारे यहाँ कैसे? आपको तो पता ही है, हमारा भी डेयरी का काम था लेकिन उसे चलाने का वक्त नहीं था, इसीलिए वो बंद हो गई। सुना हम लोगों ने। हाँ, सुना था। काफी मेहनत लगती है। वो तो है। कुछ दिन पहले आपके घर चीज देने गई थी तो पता चला था। अच्छा, हम घर के आसपास ही कोई डेयरी ढूंढ रहे हैं। आपको तो पता है कि हमसे बेहतर क्वालिटी कोई नहीं दे सकता, तो कहीं और क्यों जाना? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। परसों मिस्टर रिशत के बेटे की सगाई है। ये तो अच्छी खबर है। अगर अच्छे भाव में मिले तो हम दूध घी चीज मक्खन वगैरह आपसे लेने की सोच रहे हैं। कीमत क्या, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। यसरान वालों की थोड़ी कमाई हमारे पास भी आने दीजिए ना, हम भी थोड़ा कमा लेते हैं। तो ठीक है, आप ही से ले लेते हैं। इन्हें लिस्ट दे दो फेरी। हमें ये सब कल सुबह तक चाहिए। ठीक है, इसे वहाँ तक पहुँचाना भी है क्या? अगर आप पहुँचा देंगी तो बेहतर होगा, हमारे पास कार्स कम है, कम से कम एक टेंशन तो कम हो जाएगी। ठीक है हम पहुंचा देंगे। और हमें पूरे दिन किचन में काम करने के लिए लोग भी चाहिए, अगर आप किसी को भेज सकती हैं तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। आप चाहें तो हम भी काम कर सकते हैं, हमारे घर में भी शादी है, पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, मेरी बहन की शादी है। ओह अच्छा,
ये खूबसूरत लड़की तुम्हारी बहन है रहमी? जी हाँ जी। इस्माइल भाई, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, ना ही आपको कोई परेशानी होगी। इसके बाद से आप हमेशा हमें याद रखेंगे। मुझे भी आप लोगों से यही उम्मीद है। हाँ। मुझे कहीं भी शर्मिंदा मत कीजिएगा, समझ रहे हैं ना? आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये तय रहा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। बाय 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 बाय। ओके, बाय 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 बाय। इतना खुश मत हो, ये तो शुरुआत है। यसरान फैमिली के डेरी वाले होने का मतलब समझ रहे हो तुम? ये रिसत यसरान थे क्या? पागल हो क्या? ये उसका रसोईया था। रसोईया था, रसोईया। सोच कर देख, अगर उसका रसोईया ऐसे रहता है तो यसरान वालों के कितने ढाट होंगे। बहुत रईस हैं ये लोग। चल अंदर, बहुत काम है। भाभी, आज रात मुस्तफा के घर वाले आना चाहते हैं। आने दो, आने दो। लेकिन खाने का झंझट तो नहीं ना? उन्हें शादी की तारीख तय करनी है। तो अंदर जा और उनके लिए खुद खाना बना। वो तेरे मेहमान है, मेरे नहीं है, समझी? जैसे कि रोज कोई और बनाता है। मुराद, चल हम बाजार चलते हैं। जब देखो काम ना करने का बहाना चाहिए। बाल झड़ने कम हो जाते हैं। इसे हर दिन बालों में लगाना, नहाने से 10 मिनट पहले, ठीक है? और जैसा मैंने बोला है ना, बिल्कुल वैसा ही करना। लिखिए मत, मुझे याद रहेगा। लोग आपको एवेलिन क्यों बुलाते हैं? प्यार से मेरी माँ को भी सब यही बुलाते थे, वो भी मेरी तरह ही हकीम थी। मैंने ये सारा काम उन्हीं से तो सीखा है। मेरी प्यारी माँ बहुत कमाल की औरत थी। वो लंबी चौड़ी, हट्टी कट्टी। वो यहाँ की रहने वाली नहीं थी, बस यहाँ आकर बस गई थी, यहीं शादी की और मेरी पैदाइश भी यहीं हुई। वो जब तक जिंदा थी मैं हर वक्त उनके साथ ही रहती थी, और उनके गुजरने के बाद गांव वाले मुझे ही इवे नेने बुलाने लगे। इवे नेने आ गई, इवे नेने जा रही है। मेरी माँ विरासत में मुझे अपना नाम दे गई। तकदीर वाली है। इस मिर की एक औरत तो मुझे इबे नौ कहकर बुलाती है। नीने को इंग्लिश में नाइन ही लिखेंगे ना, इसलिए नौ। जब मैं अपनी दुकान खोलूंगी ना, तो उसके बोर्ड पे इबे नौ के लिखूंगी। पता है, अगर आप अपनी इन दवाओं के साथ इस्तांबुल चल गए तो आपका बहुत नाम होगा। छोड़ो भी, मेरा यहाँ कम नाम है क्या? गवर्नर के बाद सबसे ज्यादा लोग मुझे ही जानते हैं, छोटी बात है। अगर अपने दिल की बात कहूँ तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी जड़ी बूटियाँ, मेरे दोस्त सब यहीं तो हैं। आपने शादी नहीं की? हाय, बस मैं अपने लिए इसी का इलाज नहीं ढूंढ पाई। हाँ, लेकिन मेरा एक शानदार बेटा है। मैं समझी नहीं। इसकी माँ इसे मेरे पास छोड़ गई थी, मैंने इसे सिर्फ जन्म नहीं दिया। हेलो, वेलकम। कैसी हो मेरी प्यारी माँ? मैं इनसे तेरे बारे में ही बात कर रही थी। मैंने नींबू का शरबत बनाया है, जाकर पी ले। नहीं, मुझे नहाकर बाहर निकलना है। सलीम अपनी मंगेतर को हम सब दोस्तों से मिलवाना चाहता है, तो उसने मुझे भी बुलाया है। अच्छा, ठीक है, जा। आप लोग बातें कीजिए। नाइस टू मीट यू। बाय। अपना काम भी खत्म हो गया। अगर ये काम ना करे तो मुझे फोन करना, और काम करे तो भी कॉल करना, ठीक है? मैं और भेज दूंगी। ओके, शुक्रिया। बाय बाय।
बेटा तू रात को खाना यहीं खाएगा ना? कह नहीं सकता, फोन करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं रात के लिए कुछ बना कर रख दूंगी, जरूरत पड़ी तो खा लेना। नहीं नहीं, बना कर रखने की जरूरत नहीं है। तुम किसके साथ जा रहे हो, कौन कौन होंगे वहाँ? सलीम और उसकी मंगेतर रहेगी। अच्छा, वुराल को तो मैं ही रिसीव करने गया था। वुराल वो सर्वे ऑफिसर का बेटा है ना? हाँ, हरदवान भी आया है। सही है, तेरे सारे निठल्ले दोस्त आ गए हैं। ऐसा मत बोलो माँ। देख लो, इसने अपनी ये हीरो वाली एंट्री दिखाने के लिए सबको बुलाया है। राजकुमार जी के विमान का दरवाजा खुला। राजकुमार यसरान अपने होने वाले दुल्हन को अपना किंगडम दिखाने लाए। घंटे का राजकुमार। अब लोगों का अभिनंदन भी कर रहे हैं। हंसी आ गई भाई, सॉरी। बात कर ले। मेरा फोन नहीं है। तो फिर बंद करना। हाँ ले, कर दिया। अगर किसी लड़की का फोन अवॉइड करना हो तो उसके नाम की जगह सेव करना हेल्प। जैसे कि हेल्प 1, हेल्प 2। मेरे फोन में तो हेल्प 7 तक फीड है। बहुत पका हुआ यार। ऐसा क्या करती है वो? अगर तू पी रहा है और उसका फोन आ जाए तो इतना पकाएगी कि सारा नशा उतर जाएगा। भाई साहब ये मेरा फोन नहीं है, राजकुमार सलीम का है। सारी लड़कियों को ये नंबर दे रखा है और फोन मेरे पास छोड़ के रखता है साला। तो एक तो नंबर मुझे पास कर दे। पास मत कर। अरे उसका थोड़ा बोझ हल्का कर दूंगा, दोस्त है ना मेरा, और वो हेल्प एड बन जाएगी मेरी। कैसा मेरे भाई? फर्स्ट क्लास। इतना ताम झाम क्यों भाई? अरे मिल्टन को लॉन्ग ड्राइव से प्रॉब्लम है। करीम वेलकम दोस्त। साले तू मुझसे स्मार्ट दिख रहा है, मुझसे दूर ही रहना। कैसा है भाई? डार्लिंग गाइस, अब मैं तुम्हें अपनी लाइफलाइन से मिलाता हूँ। और इनकी सबसे बड़ी खासियत इनके बाप की पोजीशन है, मिनिस्टर है। बुराल से तो तुम पहले मिल ही चुकी हो। हाय। हाय मिल्टन। करीम के बारे में भी बता चुका हूँ। हेलो, वेलकम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। कम डियर। शराब पीने गया था पार्टी में, हाँ? और इस हाल में कार भी चला कर आया तू। देख खुद को, एक कदम भी ठीक से नहीं उठाया जा रहा तुझसे। मैं ठीक हूँ। मैं गालिब भाई से कहने वाली हूँ कि आइंदा तुम्हें कार न दे, सुधरोगे नहीं तुम। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम शराब पीकर कभी कार नहीं चलाओगे। अच्छा बाबा, गलती हो गई। इधर आना तो जरा। तुमने कुछ और भी लिया है हुँ? कोई ड्रग्स या कुछ और? वो नालायक तो हर चीज का नशा करते हैं। प्लीज माँ, सुबह बात करेंगे। तबीयत तो ठीक है तेरी? मैं अंदर जाकर तेरे लिए कॉफी बना देती हूँ, तुझे आराम मिलेगा। मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर खुली हवा में रहना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बता, सेलिम की मंगेतर से मिला? कैसी है वो? अरे खैर, उस जैसे लड़के को और कैसी लड़की मिलेगी।
ये तो मेरा मन पसंद है। हाँ, आपका मन पसंद पाम फ्रूट डेजर्ट। अपने ससुर का तो बहुत ख्याल रखती है ये। और आपके लिए आइसक्रीम भी है। क्या बात है, जल्दी ले आ। क्रीम भी लेकर आना, मैंने आज ही बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। अरे अब आइसक्रीम के लिए जगह कहाँ बची। पहले बच्चे को दो बेटी। आपकी बात हम उसे ही दे रहे हैं। बहुत अच्छा खाना बनाया है मेरी बहू ने। शुक्रिया। मुझे और मत देना, इतना तेल डाला है कि पेट में जलन हो रही है। उतना ज्यादा भी नहीं डाला है। तो अपने भैया को खिलाओ, वही खाएंगे। शुक्रिया फातिमा गुल। अब तुम भी बैठ जाओ फातिमा। कब से काम कर रही है ये? आप लोगों को दिखा रही है कि हम कितना काम करती है। शादी के बाद इसका असली काम दिख जाएगा। हम इसका काम देख चुके हैं और ये हमें पसंद है। बहुत बढ़िया बना है। कुछ और चाहिए तुम्हें? शुक्रिया। शादी की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। घर पूरा होने में बस दो हफ्ते ही लगेंगे और कल से रसोई और बाथरूम का काम शुरू हो जाएगा। तुम दो हफ्ते कह रहे हो, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि इससे ज्यादा वक्त लगेगा। मैंने उस दिन हलीदे बहन के साथ जाकर देखा था, अभी तो महीनों लगेंगे। तुम लोगों की शादी तो अब अगले साल ही हो पाएगी, देख लेना। नहीं नहीं, एक महीना भी नहीं लगेगा। ये कुछ दिनों के लिए ही जा रहा है, वापस आते ही अपने बाबा के साथ काम शुरू कर देगा और कुछ रिश्तेदारों की मदद से काम जल्दी पूरा हो जाएगा। वो भी देख लेंगे। अगले हफ्ते चलकर शादी का जोड़ा बनवा लेते हैं। मैं अपनी शादी का जोड़ा दे दूंगी इसे, फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल नहीं, वो शादी में नए कपड़े ही पहनेगी। हाँ हाँ, अपने कपड़े पहनेगी, बिल्कुल नए कपड़े पहनेगी हमारी फातिमा। फिर हम शादी में दावत नहीं रखेंगे, ठीक है? कुछ खास लोगों के साथ घर पे ही छोटी मोटी दावत रख लेते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, इकलौता बेटा है हमारा। हम अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। हम अपने बागीचे में कर सकते हैं। मेरे कप्तान के भाई का खाने का एक होटल है, अगर हम वहाँ करना चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ उनसे। बहुत महंगा पड़ेगा, इन सब चीजों में खर्च करने से अच्छा है कि अपने खुद के घर में क्यों नहीं खर्च करते। हमारी भी दावत नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ गुजर गई थी, तो कैसे करते हम। हम करना तो चाहते थे लेकिन मजबूरी थी। ऐसे में दावत कैसे होती, वैसे सुनकर बुरा लगा। पूरा का पूरा गांव मुफ्त की जमीन का मालिक बना बैठा है। इस तरफ आबादी बसाते वक्त उन्हें ये जमीन फ्री में दी गई थी, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अपनी खुद की जमीन भी छोड़ी है। जो जमीन छोड़ कर आए थे वो कौड़ियों की थी, ये सोना है सोना। इन लोगों ने समुद्र के पूरे किनारे पर कब्जा कर रखा है। मुनीर तुम भी तो कुछ कहो। ये सही कह रहे हैं, ये लोग अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे टूरिस्ट को काफी परेशानी होती है। पिछले साल इस तरह के 10-12 शिकायतें तो मुझे खुद आई हैं। सुना आपने? वाकई बहुत बोर हो रहा हूँ, यहाँ से निकलते हैं यार। हाँ ठीक है, निकलते हैं। क्यों ना उन्हें हिल्स के पास जमीन देकर उनसे जमीन एक्सचेंज कर लें। बिल्कुल सही कहा, हम बीच साइड पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होटल्स और स्पा डेवलप कर सकते हैं, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। प्लीज यहाँ की ब्यूटी को बर्बाद मत कीजिए, इट मेक्स मी सैड। आप गलत समझ रही हैं मिसेज एंडर, फॉरेन कंट्रीज की तरह ही हम अपनी कंट्री को भी उसकी नेचुरल ब्यूटी के साथ ही संवारना चाहते हैं, दैट्स ऑल, है ना? एग्जैक्टली। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं अब चलता हूँ। एक्चुअली हमें भी कुछ गेस्ट को अटेंड करना है, तो मिल्टन की कुछ फ्रेंड्स अब्रॉड से आई हैं, तो उनका ध्यान रखना है। हाँ हाँ जरूर, सभी गेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। मैं शायद अब होटल में ही रुकूंगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, टेक केयर। कार वापस भेज देना, ड्राइवर तुम लोगों को ड्रॉप कर देगा। ओके मॉम, तो फिर मैं भी चलता हूँ, कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, बाय देन। हेलमिए, चलो ना मिसेज एंडर को अपना ग्रीन हाउस दिखाते हैं, शी लव इट। हाँ क्यों नहीं, क्या आप हमारा ग्रीन हाउस देखना पसंद करेंगे? व्हाई नॉट, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो कहाँ थे हम? हाँ हाँ, वो सारी जमीन प्रोटेक्टेड एरिया में आती है, इसलिए वो तो ना तो वो उनके काम की है और ना ही हमारे। तो आपका कहना है कि अगर लॉ को थोड़ा बदल दें तो काम बन सकता है? यही तो मैं कह रहा था। अगर ऐसी बात है तो पहले उन जगहों को देख लेते हैं, पता तो चले कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जरूर, जब आप यहाँ तक आए हैं तो उस जगह को देख लेंगे तो बेटर होगा। दो दिन बाद यसरान के बेटे की सगाई है। किस यसरान की? बड़े वाले की, रिसेप्शन की। उनका रसोईया आया था आज सुबह,
डेयरी का सारा सामान हमसे ले रहे हैं वो। क्या बात है, बड़े लोगों से ताल्लुक बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें बुलाया। हाँ, है। हमें ना उनके रसोई में काम करने का मौका मिला है। तो मैंने कब कहा कि हम वहाँ मेहमान हैं? मुंह बंद नहीं रहता इनका। तुम भी वहाँ जाने वाली हो फातिमा? हाँ इसे भी जाना है, सारा काम मैं अकेले कैसे संभालूंगी। रहमी का तो पता ही है। क्या मतलब तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मैं काम में तुम्हारी मदद नहीं करता? हाँ हाँ बिल्कुल करते हो। जरा हाथ धो के आता हूँ मैं। चलो रहमी, मुस्तफा के लिए तौलिया लेकर आओ। अभी लाता हूँ। हमने निकाल कर रख दिया है, बेसिन के पास ही है। ध्यान से देखना, बेसिन के पास ही होगा। ठीक है, आप बैठिए बैठिए, मैं देख लूंगा। पेट भर गया, शुक्रिया बेटी। शुक्रिया बाबा। इतना खा लिया है कि हजम करने के लिए पैदल ही घर जाना होगा। फातिमा गुल बेटा, एक कप कॉफी पिलाओगी? जी बस अभी लाते हैं। आप लोग शक्कर कितनी लेंगे? बाबा के लिए एक चम्मच और मुझे बिना शक्कर। मेरे लिए मत बनाना। भाभी सब जानबूझकर कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ खुश नहीं हो, लेकिन अब बस कुछ ही दिनों की बात है। हम इंतजार करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चाय पी ही लूँ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है भाई के घर में इतने लोगों के होते हुए ये सब कर रही हो?